प्रदान किया। अयोध्या के विकास और पूरे देश के विकास और भारत की रक्षा सुरक्षा के उद्देश्य से और संपूर्ण मानव जाति के रक्षा के लिए, सौहार्द के लिए, परस्पर प्रेम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुराम के दिव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य से यहाँ पर मतदान हो रहा है। सभी साधु संत दे रहे हैं मतदान। मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा तो विकास अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत मंदिर है ना। जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो अपने आप लोग यहाँ आएंगे, लोग आएंगे तो रास्ते भी अच्छे बनेंगे, होटल भवन भी अच्छे बनेंगे, लोगों की रोजी रोटी भी चलेगी, तो सबका मूल तो मंदिर। नहीं, मैं मुद्दा के साथ नहीं किया, मैंने आस्था के साथ किया, विश्वास के साथ किया, सनातन धर्म संस्कृति के साथ किया, हिंदू और हिंदुत्व के साथ किया। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार साधु संतों को लाठी मारती थी, जिस प्रकार से हमको ISI, बोको हराम और आतंकवादी से जोड़ दिया जाता था, अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम की जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, इसके नाते हम लोग उन्हें कमल खिलाया है और कमल खिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के साथ और क्या मुद्दे हैं? नहीं, अयोध्या में तो इसको सांस्कृतिक सिटी बनानी है, यह विषय है, आस्था का सवाल है, इसके नाते अयोध्या और डेवलपमेंट हो और विकास हो। जिस प्रकार से योगी जी की सरकार में विकास का डेवलप का चल रहा है, मुझको लगता है आने वाले भविष्य में अयोध्या एक आपको अलग दिखेगी। अयोध्या में अखिलेश यादव का भी रोड शो हुआ योगी जी के साथ? नहीं, वो कालनेमी लोग हैं, वो इच्छाधारी हिंदू हैं, वो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं। अगर इतना ही आस्था होता तो इतना दिन से क्यों नहीं आए? इतना ही आस्था होता तो निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलाते? इतना ही आस्था होता तो आज वोट के समय में क्यों दर्शन करने आए? पहले भी आ सकते थे।